ठंडी तो बहुत बढ़ी हुई है, लेकिन फिलहाल हम लोग अपने मकसद से, अपने टॉपिक से नहीं हटने वाले। तो आज आप लोगों के सामने क्लास 10th की वीडियो टॉपिक मेटल और नॉन मेटल से, जहां पर हम क्रिया करवाएंगे धातु की अधातु के साथ, यानी जब कोई धातु किसी अधातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। धातु अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अधातु नेगेटिव चार्ज क्यों और इसका कारण क्या है, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। और जो मैंने इसके पहले वीडियो में आपसे कहा था कि भैया कि हम लोग फार्मूला का निर्माण कैसे करेंगे, फार्मूले कैसे बनाते हैं, तो नॉर्मली जो हम लोग आज की जो टॉपिक है सूत्र का निर्माण कैसे करते हैं उसी को लेकर के है। तो आइए हम बात को आगे बढ़ाते हुए सीधा कार्यक्रम आपको लेके चलेंगे कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से। यानी कि जब कोई धातु, ठीक है ना, जब कोई धातु अधातु से क्रिया करती है तो एक प्रकार से धातु का लवण बनाती है, और उस यौगिक को हम लोग आयनिक यौगिक या संयोजक यौगिक भी कहते हैं। मतलब जब धातु का इलेक्ट्रॉन जब अधातुओं में स्थानांतरण होता है, इस प्रकार जो यौगिक बनता है उसे हम लोग आयनिक यौगिक या संयोजक यौगिक कहते हैं। तो संयोजक यौगिक में नॉर्मली हम आपको सोडियम पोटेशियम, ठीक है ना, तो इन कुछ धातुओं को लेकर के क्लोरीन जैसी अधातु के साथ क्रिया करा करके आपको सारी बातें स्पष्ट करवाते हैं। यानी कि जब कोई धातु, यानी कि धातु मेटल और अधातु नॉन मेटल, ये जब आपस में क्रिया करेंगे तो ये बनाएंगे धातु का लवण, यानी कि मेटल साल्ट लवण बनाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जैसे बात करें सोडियम को, पोटेशियम को, एल्युमिनियम को, मतलब ये दो तीन एलिमेंट धातु की क्रिया हम किससे कराएंगे, क्लोरीन से कराएंगे, ठीक है ना, क्लोरीन से। और दो बातें हम आपको स्पष्ट करते चलें कि यानी कि ये क्या है, ये भाई आपकी क्या है, अधातु है। ये क्या है, अधातु है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे भाई, नॉन मेटल। और ये तीनों लोग क्या हैं आपके, मेटल हैं, यानी कि धातु है, मेटल्स। तो जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में मिलेंगे तो धातु का लवण बनाएंगे, साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें कैसे होती हैं, आयन मतलब धन आयन, ऋण आयन कैसे बनता है, तो हम इस बात को आपको रिएक्शन के माध्यम से समझा रहे हैं, बता रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे। जैसे सोडियम यानी Na+ Cl2, आगे क्या लगाएंगे, रिएक्शन मार्क, अभिक्रिया चिन्ह। अब देखिए इसमें ये बनाएगा आपका NaCl, मतलब सोडियम का साल्ट, ठीक है ना, सोडियम लवण। तो NaCl क्या है, एक साल्ट है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है भाई, सोडियम क्लोराइड होता है। अब ये सोडियम क्लोराइड बना कैसे, ठीक है ना, इस बात को हम अभी जस्ट समझेंगे। दूसरा रिएक्शन आपके पास पोटेशियम है, पोटेशियम की क्लोरीन के साथ करा देते हैं तो ये बनाता है KCl। अब ये किसका साल्ट हो गया, पोटेशियम का साल्ट, यानी पोटेशियम क्लोराइड। तीसरा आपके पास एल्युमिनियम है AlCl2 के साथ, तो ये चीज आपका क्या है, बनाएगा AlCl3, AlCl3, यानी एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तीन कैसे आ गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है जबकि क्लोरीन दो था यहाँ पर। तो ये एक प्रकार से यहीं पर हम आपको दो तीन बातें स्पष्ट करा दें, दो तीन। तो पहले चैप्टर में आपको लिए चल रहे हैं, तो पहला चैप्टर हमारा क्या था, रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। तो उसमें एक अभिक्रिया पढ़ रहे थे हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या थी, आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं वहां पे। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर
वो जो एकल उत्पाद है उन सब में जो यौगिक बनेगा, अगर उसमें सब में सिंगल बॉन्डिंग पाई जाएगी तो उस तरह की अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। दोनों बातें अस्पष्ट हैं। संयोजन अभिक्रिया, अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम पे ये जो रिएक्शन है, ये जो अभिक्रिया है, धातु लवण जो बना है, ये आपके कंकाली समीकरण है, यानी स्केलेटन रिएक्शन है, अभिक्रिया है। कंकाली क्यों है? क्योंकि अभिकारक और उत्पाद के जो एटम है, परमाणुओं की संख्या, वो बराबर नहीं है, और किसी भी जीव को, किसी भी घर परिवार को कोई कंकाली बच्चा नहीं पसंद है। तो आपको केमिस्ट्री को कैसे पसंद आएगा? तो केमिस्ट्री भी चाहेगी कि आप इसको बराबर करो, इनके परमाणुओं को, इनके द्रव्यमानों की संख्या, जिससे बराबर हो जाए। आइए बराबर करते हैं, कैसे करेंगे? यहां पर देखिए क्लोरीन कितना भाई, दो है, यहाँ पर क्लोरीन एक है, सोडियम तुम्हारा बराबर है सोडियम, तो यहाँ पे क्या कर दें, अगर यहाँ पर दो कर दें, क्योंकि हम यहाँ पे दो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा रूल नहीं कहता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो दो सोडियम और दो क्लोरीन, तो क्लोरीन हमारा तो बराबर हो गया दो, लेकिन सोडियम इधर दो हो गया, अब सोडियम इधर कितना है, एक ही है, तो यहाँ पर भी दो से गुणा कर देंगे, तो दो सोडियम दो क्लोरीन और इधर दोनों बराबर हो गए। अब इधर देखेंगे, इधर यहाँ पर सेम सिचुएशन, यहाँ पर दो करेंगे और यहाँ पर दो है क्लोरीन, अब दो पोटेशियम हो गया, तो दो यहाँ पर कर दीजिए, दो से गुणा। तीसरे वाले में क्लोरीन, यहाँ पर कितना है, क्लोरीन दो है, यहाँ पर क्लोरीन तीन है, एल्युमिनियम तो बराबर है। अब देखिए सभी छात्र, सभी क्लास टेंथ के स्टूडेंट जो है, अभी आगे आप इसको समझिए ये कैसे बनता है, फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, तो सारी बातें स्पष्ट होंगी, ठीक है ना? तो कैसे होंगी आइए देखते हैं। तो अगर इसमें भाई सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता ये सब, तो कैसे होता है आइए देखते हैं कैसे होगा। तो यहां पर तीन क्लोरीन है, इधर दो क्लोरीन, अगर इस क्लोरीन में तीन से मल्टीप्लाई कर दें, तीन से गुणा, तो थ्री टू जा सिक्स, यानी तीन दूनी छह क्लोरीन हो गया। अगर यहां से दो कर दें तो दो तियाई छह, दो तियाई कितना, छह क्लोरीन बराबर, तीन दूनी छह क्लोरीन और दो तियाई छह क्लोरीन। अब इधर एल्युमिनियम कितना हो गया भाई, दो, अब इधर एल्युमिनियम कितना है, एक ही है, यहाँ पे क्या कर देंगे, दो से गुणा, तो एल्युमिनियम भी क्या हो गया, बराबर हो गया। बातें बिल्कुल समझ है। अब आपको ये देखना है कि ये भाई फार्मूला कैसे बन जाता है, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग आयनिक यौगिक पढ़ रहे हैं, संयोजक यौगिक, संयोजक आयनिक यौगिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं सबसे पहले डिफिकल्ट वाला, थोड़ा से एल्युमिनियम AlCl3 कैसे बना। AlCl3 यानी एल्युमिनियम है, इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 13, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p1, ठीक है ना? 13 इलेक्ट्रॉन भरना भाई आपको, तो 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 1, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो लास्ट में संयोजी कोष ये इसका है, तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 1, 3 इलेक्ट्रॉन है आपके पास संयोजी कोष में, 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखना है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा। देखिए एक अच्छा रूल है अष्टक, यानी कि जब कोई एलिमेंट्स, जब कोई तत्व अपना अष्टक कंप्लीट कर लेता है तो वो बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं होता है। तो ये तो कंप्लीट नहीं कर पाया, इसका मतलब ये बहुत सक्रिय होना चाहिए, रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होनी चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 3 है, तो 5 की कमी है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसको कोई उधार नहीं देगा, सीधा पंडा है, क्यों नहीं देगा, अपना घर गांव समझ करके देख लीजिए। अगर आप 5 यानी कि 5 रुपए की कमाई करते हो तो आप किसी से 10 रुपए उधार मांगोगे तो नहीं देगा, ये सत्य है रियल लाइफ। लेकिन आप कहीं 10 कमाते हो, 5 उधार मांगते हो, तो आपको जरूर मिल जाएगा। आपको अस्थाई होने के लिए हम कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपके पास 3 है, आप 5 उधार ले रहे हैं,
तो नहीं देगा भाई कोई। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ेगा, यानी अपना खुद दूसरे को देना पड़ेगा। जब आप इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे तो आपके पास चार्ज कैसा होगा, प्लस होगा, क्योंकि आपने दान दिया है, दानी हुआ, तो प्लस चार्ज, ठीक है ना। कितने चार्ज हो गए एल्युमिनियम के पास, कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किए भाई, 3, तो यहाँ पर 3 प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ आपके पास क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है ना, दूसरी तरफ क्लोरीन है, Cl, तो Cl का कितना होता है भाई, 17, इसका भी विन्यास कर लीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 12, 5, 17, तो अंतिम 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर, तीसरा आवर्त ऐसे, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 7, 5, 2, 7, अब आपको कितना चाहिए, 6 चाहिए इसमें, P में कितना बढ़ सकते हो, 6, तो कितना है, 5, आपको कितना चाहिए, 1, तो अब आप उधार पा सकते हैं क्योंकि आपके पास 7 है, 1 लेना है, तो आप उधार पा जाओगे ना, जब इसका मतलब आप उधार पा जाओगे, तो आप ऋण ले रहे हो, उधार ले रहे हो किसी से, इसका मतलब आपके पास चार्ज कैसे आ जाएगा भाई, माइनस का, तो Cl के पास कितना माइनस चार्ज आएगा, 1, Cl पर 1 माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप फार्मूले को बिल्कुल ध्यान से समझे कैसे बना, तो अब क्या करोगे, यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल Al और यहाँ पर लिखो Cl, Al पर कितना प्लस चार्ज था, 3, और Cl पर कितना माइनस चार्ज, 1। अब ऐसे क्या करोगे, इसका तिरछा गुणा कर देंगे, मतलब Al का गुणा 1 के साथ और Cl का गुणा 3 के साथ, क्या बन गया, Al एकम Al और Cl का गुणा 3 के साथ Cl 3। तो इस तरह से ये फार्मूला आपका बना है, आई होप ये बातें पूरी स्पष्ट हो गई होगी आपको। इस तरह से आप इसका भी कर लेंगे, इसका भी कर लेंगे, कोई अदर भी मिलेगा तो आप उसका भी कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है ना। पहली बार चैनल पे हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।